तो मैं देखा इतने खालिस्तान गंदा बहुत झंडा लाया हुआ थी। मैं पहुंचा डिप्टी साहब को फोन किया तो डिप्टी साहब ने दो मुलाजम अपने कोवर पॉइंट से भेजे थे झंडा से मौके से लाता। गल यह है डिप्टी साहब ने साड़ी गल हुई, डिप्टी साहब ने सानू बुलाया भी हूँ अभी शिवसेना हिंद वालों इनका बड़ा विरोध करते हैं कि पहला डी सी साहब के दफ्तर झंडा लहराया गया, ठीक है जी, हूँ अपने इतने पुलिस झंडा लहराया गया। ये तो अपने पंजाब पुलिस को मतलब कि चुनौती है और जिहड़े पन्नू वर्गे बैठे विदेशों के पच्ची पच्ची हज़ार डॉलर की अपनी यंग पीढ़ी पीढ़ी लालच दे के इस राह से लिया चाहते हैं। इस वेले की वड्डी खबर मोगा तो सामने आ रही है। मोगा विखे एक बार फिर खालिस्तान का केसरी झंडा लहराया गया है। यह झंडा मोगा कोटकपुरा बाईपास उपर लहराया गया है। इस झंडे उपर खंडे का निशान बनया होया है ते हेठले पासे खालिस्तान जिंदाबाद की थां जिन्नाबाद लिखा है। इस बारे मौके पर पहुंचे लोगों का की कहना है तुहानू भी सुना दिंदे हां। मैं देखा इतने खालिस्तान जिंदाबाद का झंडा लाया हुआ था। मैं पहुंचा डिप्टी साहब को फोन किया तो डिप्टी साहब ने दो मुलाजम अपने कोवर पॉइंट से भेजे थे झंडा से मौके से लाता। पंकज जी जानकारी किवें मिली थोनों, किदां पता लगे? मेरा ब्रदर इतों लंघ रहा था जी सवेरे मॉर्निंग 7 बजे का टाइम सीगा। मेरा ब्रदर लंघ रहा उन्हें मैंने कॉल की, मैं इतने मौके से पहुंचा। फिर मैं डिप्टी साहब को फोन किया, थाने SHO साहब को फोन किया, उन्होंने आकर झंडा लाता। पर गल यह है डिप्टी साहब ने साड़ी गल हुई, डिप्टी साहब ने सानू बुलाया भी हूँ अभी शिवसेना हिंद वालों इनका बड़ा विरोध करते हैं कि पहला DC साहब के दफ्तर झंडा लहराया गया, ठीक है जी, हूँ अपने इतने पुलिस झंडा लहराया गया। ये तो अपने पंजाब पुलिस को मतलब कि चुनौती है, अपने पंजाब पुलिस को इन चुनौती है, अभी ये कदे बर्दाश्त नहीं करांगे, ठीक है ना। और जिहड़े पन्नू वर्गे बैठे विदेशों के पच्ची पच्ची हज़ार डॉलर की अपनी यंग पीढ़ी को लालच दे के इस राह से लिया चाहते हैं, ठीक है ना। ये मेरी अपील है यंग मैन पीढ़ी भी इस कामों से ना आओ, अपना पंजाब अपना हिंदुस्तान आज खड़ना वै, इस कुत्तियां लिया के इतने सलाखा के पिछले सुटिया हो, अपने अगर यंग मैन पीढ़ी इस रस्ते से आवे ही ना। लालच वास्ते करे जा रहे हैं, लालच वास्ते सब कुछ किया जा रहा है। इन्हों के देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके सलाखा के पिछले सुटिया जाए ताकि जेडे होर भी रस्ते चलन फिरते भी डरने इस रास्ते चलन लगे। इस तो पहला मोगा के पुलिस कमिश्नर दफ्तर के उपर झंडा लहराया गया सी, जिस तो बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। बाद च दो जगह होर भी केसरी झंडा लहराया गया सी ते हुण इह लगातार चौथा मामला सामने आया है। शरारती लोगों वालों माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सरकार को चाहिए कि अजिहा करन वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मोगा तो चमकौर सिंह लोपों की रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।